हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल विल बी फाइन स्टूडेंट्स दिस इज आवर फोर्थ वीडियो ऑन नरेशन टुडे वी विल टॉक अबाउट इम्परेटिव सेंटेंस वी विल नो हाउ डू वी कन्वर्ट इम्प्रेटिव सेंटेंस इनटू टू इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच ऑल बच्चों आज हम लोग जानेंगे कि कैसे इम्प्रेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच से ठीक है तो सबसे पहले बच्चों रूल में आपको समझा देता हूँ आप रूल्स पर ध्यान दीजिएगा देखिए सबसे पहले जो आप जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड से वगैरह होता है वो चेंज हो जाएगा बच्चों रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड एडवाइस सजेस्टेड बेग्ड इन सब चीज़ों में चेंज हो जाता है ठीक है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेट टू लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया है यहाँ पे सेज टू लिखा हुआ तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो गया है यहाँ पे सेट टू लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया एडवाइस्ड हो गया है बच्चों इस तरह से हम लोग हेल्पिंग सॉरी रिपोर्टिंग वर्क में क्या करते हैं कि जो से होता है इसको चेंज कर देते हैं हम अकॉर्डिंगली अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर कर देंगे एडवाइस है तो एडवाइस कर देंगे इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्क में चेंज कर देते हैं जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे पहला रूल है बच्चों आपने इंट्रोगेटिव में क्या किया था आपने इंट्रोगेटिव में आस्क किया था याद होगा आपको आपने इंट्रोगेटिव में आस्क किया था या इंक्वायर्ड किया था ठीक है लेकिन एम्परेटिव सेंटेंस आता ही आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ना तो आस्क्ड लगाना है ना ही टोल्ड लगाना है आपको आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करनी है रिक्वेस्टेड ऑर्डर या एडवाइस में चेंज करनी है डैट शुड बी रिमेंबर्ड ऑल राइट चलिए बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए देखिए दूसरा काम क्या करना होता है बच्चों आप जानते हैं जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होते हैं तो हम लोग कंजक्शन का यूज करते हैं किसी में डैड का हमने असरटिव uh, सेंटेंसेस में डैड का यूज किया था हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आए थे तो हमने इफ़ या वेदर का यूज किया था बच्चों जैसे ही हम लोग इम्प्रेटिव सेंटेंस में आते हैं इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं होगा हाँ बच्चों इस सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन का यूज नहीं होगा यहाँ पर क्या यूज होगा यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज होगा ठीक है ना आप फिर से समझ लीजिए कि देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे सेंटेंस को देखिए ही सेट टू मी ठीक है तो हमने सेट टू को तो ऑर्डर कर दिया उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है गो टू स्कूल तो यहाँ पे आप कोई भी इफ़ या वेदर या डैट नहीं यूज कर सकते अब यहाँ पे हमने इसको ऐड करने के लिए यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीस से जोड़ने के लिए एक प्रिपोजिशन का यूज़ किया है वो क्या है टू टू प्रिपोजिशन का यूज करेंगे हम लोग इस बात का याद रखेंगे कि यहाँ पे कंजक्शन नहीं यूज होगा यहाँ पे प्रिपोजिशन टू का यूज होगा बच्चों ये दो रूल हैं जो आपको समझने हैं चलिए पहला सेंटेंस ले मैं आपको समझाता हूँ देखिए ही सेट टू मी गो टू स्कूल ही सेट टू मी गो टू स्कूल बच्चों हम ध्यान से देखें अगर तो ये इम्प्रेटिव सेंटेंस तो है लेकिन इम्प्रेटिव सेंटेंस में भी ये ऑर्डर है क्या है ऑर्डर है तो ऑर्डर में मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग सेंटेंस को देखते हैं तो उस पर ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड वगैरह होता है तो हमको वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना होता है रिपोर्टिंग वर्ब को तो सेट टू को हम क्या करेंगे अब चूँकि यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है तो हम यहाँ पे ऑर्डर कर देंगे तो ही सेट टू मी तो हम कर देंगे ही ऑर्डर्ड मी याद रखिएगा बच्चे चीज़ को ही सेट टू मी ही ऑर्डर्ड मी और जैसे ही कॉमक होटाऊँगा तो मैं टू लगा दूँगा ठीक है बाकी वैसे का वैसे मैं रख दूंगा ही ऑर्डर्ड मी टू गो टू स्कूल ठीक है देखिए क्या चेंजेस हुआ कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी चेंज चेंज यहाँ पर नहीं होने पाया है ठीक है ऑर्डर था तो हमने वैसे का वैसे रख दिया फिर से देखिए ही सेट टू मी ही ऑर्डर्ड मी उसके बाद हमने टू लगा के ऐड कर दिया कॉमा हटाया तो टू लगा दिया बाकी वैसे का वैसा रिपोर्ट रेस्पीस लिख दिया हमने ही ऑर्डर्ड मी टू गो टू स्कूल बच्चों अगला सेंटेंस देखिए सी सेज टू मी सी सेज टू मी प्लीज़ हेल्प मी तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है तो इस बार मैं रिक्वेस्ट लगाऊंगा अब देखिए प्रेजेंट इंडिफ्रेंड में है तो मैं इसको भी प्रेजेंट इंडिफ्रेंड में चेंज करूँगा सी सीज टू मी है तो मैं करूँगा सी रिक्वेस्ट मी सी रिक्वेस्ट मी अब यहाँ पे टू लगा के ऐड करूँगा मैं सी रिक्वेस्ट मी अब मैं यहाँ पे डैड या इफ़ का यूज़ नहीं कर रहा हूँ सी रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हर अब प्लीज हट गया बच्चों प्लीज क्यों हट गया क्योंकि हमने यहाँ पे लगा दिया रिक्वेस्ट है ना तो सी रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हर हर क्यों लगाया बच्चों हमने यहाँ पे मी है और आपने पढ़ा है जब भी फर्स्ट पर्सन आएगा तो आप क्या करेंगे तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा हर होगा तो हमने हर कर दिया तो सी रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हर ये आपका सेंटेंस बन गया आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी लास्ट में देखिए बच्चों थर्ड सेंटेंस जो है आई सेड टू यू गो डैट वे इफ़ यू वांट टू रीच अर्ली है ना ये सेंटेंस है बच्चों यहाँ पे देखिए आई सेड टू यू गो डैट वे इफ़ यू वॉन्ट टू रीच अर्ली और यहाँ पे क्या है यहाँ पे एडवाइस है जैसा कि यहाँ पे मेंशन है आई सेड टू यू गो डैट वे इफ़ यू वॉन्ट टू रीच अर्ली तो बच्चों देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो सेड टू है अब चूँकि यहाँ पे सेंटेंस में एडवाइस दिया गया है तो मैं यहाँ पे एडवाइसड लगाऊँगा आई सेड टू को कर दूंगा चेंज एडवाइसड में आई एडवाइसड यू टू हट जाएगा ना आई एडवाइज यू अब मैं टू लगा के ऐड करूंगा किसको रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग बब से आई एडवाइज यू टू बाकी का मैं वैसे, वैसे रखूंगा टू गो डैट वे इफ़ है ना इफ़ अब देखो तो यू आया है ना सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन के लिए क्या करते थे हम लोग इसको देखते थे ऑब्जेक्ट को तो यू तो यू ही लगा हुआ है तो यू ही रहेगा तो आई एडवाइज यू टू गो डैट वे इफ़ यू वांटेड अब यहाँ पर बच्चों वांट था यहाँ वॉन्टेड हो गया क्यों क्योंकि प्रेजेंट एंडिफिनिड से पास्ट एंडिफिनिट में जा रहा है सो इफ़ यू वॉन्ट टू रीच अरली इफ़ यू वॉन्टेड टू रीच अरली ठीक है बच्चों आई होप कि आपको दो चीज़ समझ में आ गई कि हमने क्या किया है हमने सेट टू को सेज टू को यहाँ पे रिक्वेस्टेड ऑर्डर एडवाइस में चेंज किया और दूसरा काम ये किया कि हमने रिपोर्टिंग वर्क को रिपोर्टेड स्पीस से एड करने के लिए प्रिपोजिशन टू का यूज किया इस बार ठीक है ना कोई भी कंजक्शन नहीं यूज किया बल्कि प्रीपोजिशन टू का यूज किया है आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी हो गई होंगी बच्चों एक और चीज़ बच्चों ध्यान आपको रखना है क्या ध्यान रखना है कि जब भी निगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे जब भी इम्प्रेटिव में निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे जैसे कि यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं गलती ये करते हैं कि वो लोग पहले टू लगाते हैं फिर नॉट लगाते हैं ऐसा गलती आपको नहीं करना है आपको नेगेटिव सेंटेंस में जाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉट होगा बच्चों वो टू के पहले आएगा ठीक है नॉट टू के पहले आएगा देखिए एग्जाम्पल में आई सेट टू हिम डोंट सिट हेयर प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है ना आई सेट टू हिम डोंट सिट हेयर प्लीज़ तो रिक्वेस्ट लगाऊंगा मैं आई रिक्वेस्टेड हिम आई सेट टू हिम क्या हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हिम फिर उसके बाद बच्चों देखिए टू लगा के ऐड करते हैं फ्रेटिव में लेकिन टू कब लगाएंगे नॉट के बाद चूकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है ना ही है तो मैं इसको क्या करूँगा नॉट पहले लगाऊंगा फिर टू बाद में लगाऊंगा ठीक है टू सिट हेयर सब कुछ वही है ना बच्चों देखो बच्चों यहाँ पे देर हो जाएगा टू सिट देयर हेयर का देर में चेंज होता है ठीक है तो आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू सिट देयर आई होप की चीज़ें समझ में आई हैं आपको बस नॉट पहले लगा देना है आपको और टू उसके बाद लगाना है और पॉजिटिव सेंटेंस में इम्परेटिव के पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करना होता है आपको आपको ये काम करना होता है बच्चों कि वहाँ पर जो है आपको टू लगाना होता है नॉट तो होता नहीं है टू लगा के ऐड कर देना होता है ये काम आई होप कि आपको समझ में आया होगा चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस और लेके समझा देता हूँ देखिए बच्चों यहाँ पे पहला सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे रहीम सेड टू हिज मदर प्लीज एक्सक्यूज मी दिस टाइम यहाँ पे बच्चों क्या है रिक्वेस्ट कर रहा है ना तो यहाँ पे बेग्ड यूज किया हुआ है बेल्ट बेल्ट का मतलब भी बच्चों वही होता है गड़गड़ाना गड़गड़ाना ऑल राइट सो लेट्स है लुक सो हम क्या देखते हैं यहाँ पे इन्होंने सेट टू को चेंज किया बेग्ड में सेट टू किसमें चेंज कर दिया बेगड में बाकी हिज मदर रहीम बेग्ड हिज मदर देखो बच्चों उन्होंने किस चीज़ से एड किया हुआ है टू से तो हम भी टू से एड करेंगे रहीम बेग्ड हिज मदर टू एक्सक्यूज हिम डैट टाइम देखो बच्चों मी लगा हुआ था मी को चेंज क्यों किया इन्होंने इन्होंने रहीम के अकॉर्डिंग चेंज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ना तो रहीम क्या है आपका मैसुलन जेंडर है तो इसलिए यहाँ पे ये हिम हो जाएगा हिम दिस टाइम का क्या हो गया डैट टाइम हो गया बच्चों वेरी इजी है आप लोग उसको कर सकते हैं सेकंड वाला आप देखिए बच्चों बहुत ही इजी है ही सेट टू मी प्लीज़ एक्सप्लेन द पॉइंट ही सेट टू मी प्लीज़ एक्सप्लेन द पॉइंट तो देखो बच्चों ही यहाँ पे क्या है प्लीज़ लगा हुआ है ना तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड मी हो जाएगा सेट टू को तो किस में क्या चेंज करेंगे मैंने आपको बोला है ना कि रिक्वेस्टेड में ऑर्डर में एडवाइस में चेंज करते हैं तो ही रिक्वेस्टेड मी अब बच्चों टू लगा के ऐड करेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू एक्सप्लेन द पॉइंट बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा तो बहुत ही ईजी है बच्चों कुछ करना भी नहीं है आपको देखिए इसमें देखिए ही सेट टू द मैन प्लीज हैव अ कप ऑफ टी यहाँ पर भी क्या है यहाँ पर भी यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है तो ही रिक्वेस्टेड द मैन ही सेट सेट टू में क्या हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड द मैन टू टू लग जाएगा प्लीज हट जाएगा टू हैव अफी ऑफ टी ठीक है सॉरी टू हैव अ कप ऑफ टी ऑल राइट तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया देखिए वेरी इजी कुछ करना नहीं है आपको बस आपको क्या करना है असेंडेंस को पहचानना है उसमें ऑर्डर है रिक्वेस्ट है कमांड है क्या उसको आपको लिखना है उसके अलावा टू लगा के ऐड कर देना है ठीक है और वैसे का वैसे आपको रिपोर्ट स्पीच रख देनी है आप यहाँ पे ईजिली देख पा रहे होंगे आसानी से देखिए ही आई सेट टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द पैसेज तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ठीक है वेरी ईजी है बच्चों अब आप समझ चुके होंगे ऐसे ही ऑर्डर में करना है बच्चों ऐसे ही एडवाइस में भी आपको करना है तो इम्प्रेटिव सेंटेंस इज़ वेरी ईजी यू कैन डू डेट वेरी ईजीली ठीक है आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए इसमें फेस नहीं होनी चाहिए बच्चों अब आपके लिए मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको जो आपको खुद से ट्राई करने हैं बच्चों ठीक है और ये होमवर्क आपको कैंपस पे भी डाउनलोड हो जाएंगे अपलोड कर दिए जाएंगे तो आपको बच्चों कैंपस पे होमवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा आपने इं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तक को आपने क्लास में पढ़ लिया था बट इंप्रेटिव सेंटेंस आज न्यू है आपके लिए तो ये आप लोग इस पर वर्क करेंगे अच्छे से ठीक है आज आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे और आपके होमवर्क हमारे पास आ जाने चाहिए टाइम से पहले ठीक है अभी मैं आपको होमवर्क व्हाट्सअप पर भी सेंड कर दे रहा हूँ आपको नोट्स बना लेना है नोट्स में आपको अभी कैंपस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दे रहा हूँ वहाँ से जाके आप ये नोट्स अपने कॉपी में बना लीजिएगा और सेंटेंसेस बच्चों कम से कम आप घर पे हैं इस वक्त तो कम से कम आपको फिफ्टी प्लस सेंटेंसेस कम से कम फिफ्टी प्लस सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से आ जाए तो फिफ्टी प्लस सेंटेंसेज आपको बनाने हैं अभी इम्प्रेटिव सेंटेंस का बच्चों एक और पार्ट जो लेट से स्टार्ट होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा द सेंटेंसेस स्टार्ट विथ लेट ठीक है जो सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं उनको कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो वो इम्प्रेटिव सेंटेंस का पार्ट टू होगा उसको हम लोग उसको मैं बताऊंगा कैसे चेंज कर सकते हैं फिर हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंसेस से, या एक्सलामेटिव सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे ठीक है उसके बाद फिर हम लोग कैसे इन डायरेक्ट से डायरेक्ट बना सकते हैं ये सीखेंगे तो बच्चों पहले तो अभी आप लोग इम्परेटिव सेंटेंस तो आज मैं आपको कुछ पॉजिटिव कुछ असर्टिव कुछ इंट्रोगेटिव और कुछ एम्प्रेटिव सेंटेंसेस के आपको होमवर्क दूंगा जो आपको टाइमली करके सेंड कर देना है जो बच्चा नहीं करेगा बच्चों उसका नेम यहाँ पे राइट होगा ठीक है इसीलिए सभी का होमवर्क आना ज़रूरी है और बहुत मैंडेटरी है कि आप होमवर्क करके दें मुझे ठीक है तो चलिए बच्चों डेट इज़ ऑल डैट इज़ इट फॉर टुडे हैव अ गुड डे है थैंक यू सो मच